स्किप नहीं करना है, बहुत ही आपको बेस्ट तरीके से बढ़िया तरीके से हम आपको ये बताएंगे। तो अभी हम शुरू ड्रेन हमारा हीट सिंक रहता है, तो ये ड्रेन यहाँ हीट सिंक के साथ जुड़ा होता है, ये जो हीट सिंक है कॉलिंग आएगी आपको, तो आप आराम से घर से ही इन्वर्टर को रिपेयर करना सीख सकते हैं। मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से ट्रेंड करूंगा जितने अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको इन्वर्टर की आउटपुट सेक्शन के बारे में यहाँ पे बताएंगे बताऊंगा कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये इन्वर्टर के आउटपुट सेक्शन का डायग्राम है यहाँ पे बना हुआ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मोस्फेट है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ये इन्वर्टर का आउटपुट सेक्शन है। और ये जो दो हीट सिंक आपको दिख रहे हैं ये आपके स्क्वायर वेव इन्वर्टर के सेक्शन है। तो बहुत ही धीरे धीरे क्लास को लेके चलेंगे, आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही आपको बेस्ट तरीके से बढ़िया तरीके से हम आपको ये बताएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कि ये जो मॉस्फेट है हमारे, ये हमने यहाँ पे 4 मॉस्फेट लगा दिए हैं ब्लैक बोर्ड पे, हमने यहाँ पे ये प्रैक्टिकली बनाए हैं। तो इसका डायग्राम बताएंगे, अभी आपके पास ये फॉल्ट आता है कि आउटपुट सेक्शन कैसे चेक करना है आपको इन्वर्टर का, तो आपको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताएंगे कि क्या क्या इसमें खराब होता है। तो अभी हम यहाँ पे फ्यूज रजिस्टर लगाएंगे, तो जितने भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर है वाटेज के हिसाब से 4 मॉस्फेट भी हो सकते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर में 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो अलग अलग इन्वर्टर में 3 4 5 6 तो वाटेज के हिसाब से मॉस्फेट लगे होते हैं। तो अभी हमने जो है 4 मॉस्फेट डायल लगाए हैं, तो अभी इसका जो आउटपुट सेक्शन का डायग्राम ये है कि ये फ्यूज रजिस्टर है, सबसे पहले जो मॉस्फेट है हमारे लगे होते हैं, ये सोर्स मॉस्फेट का, ये गेट है, ड्रेन है, सोर्स, फिर गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन और सोर्स। ड्रेन जो हमारा है ये सारा का सारा ट्रांसफार्मर से जुड़ा रहता है हमारा, तो ये जो हमारा ड्रेन है किसको बोलेंगे, ड्रेन को हीट सिंक, ड्रेन हमारा हीट सिंक रहता है, तो ये ड्रेन यहां हीट सिंक के साथ जुड़ा होता है, ये जो हीट सिंक है ये हमारा ड्रेन है। तो यहां पे क्या आएगा, ये जुड़ा होता है हमारा ट्रांसफार्मर के साथ, ट्रांसफार्मर के दो फेस होते हैं, एक इस तरफ और दूसरा फेस ये, एक फेस और दूसरा फेस, दोनों फेसों की तरफ 4-4 मॉस्फेट या 3-3 या 5-5 अलग अलग इन्वर्टर में अलग अलग तरीके से लगे रहते हैं। तो फिलहाल 4 है, यहां भी 4 मॉस्फेट लगे हुए हैं सेम इसी प्रकार से। तो अभी हम आपको एक फेस के बारे में बताएंगे कि उसको चेक कैसे करना है, फिर उसके बाद पीसीबी के ऊपर प्रैक्टिकली मल्टीमीटर से चेक करके हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप घर बैठे इसको रिपेयर कर सके आसानी से, पूरी प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। अभी सबसे पहले मॉस्फेट तो चेक करने आते हैं, जो स्टूडेंट्स मॉस्फेट चेक करना जानते हैं उनको तो चेक करना आएंगे, लेकिन जो नए हैं जिनको मॉस्फेट अभी चेक करना नहीं आते हैं, हमारे यहाँ एबीसी टेक में आप पे आप अगर इंटरेस्टेड है हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है, अगर आपको अच्छी लगती है तो पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपने सीखना है या आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो, ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो आप यहाँ एबीसी टेक ले आइए,
फ्री डेमो क्लासेस लीजिए एक या दो दिन, फिर आपको अच्छा लगता है एडमिशन लीजिए और आप आराम से इसको काम को घर बैठे बैठे सीख सकते हैं और यहाँ आके ऑफलाइन भी सीख सकते हैं और घर से ही इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोहल्ले में लाइट जाती है, हर जगह पे हर एरिया में लाइट जाती है गांव एरिया में, तो वहाँ इन्वर्टर जो है बहुत सारे खराब आपके कॉलिंग हुआ खराब होते हैं, कॉलिंग आएगी आपको, तो आप आराम से घर से ही इन्वर्टर को रिपेयर करना सीख सकते हैं। मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से ट्रेंड करूंगा, इतने अच्छे तरीके से ये रिपेयर करना सिखाऊंगा कि आप घर से ही कर सकते हैं। आपको कोई भी दुकान का किराया देने की जरूरत नहीं है कि आपकी दुकान लेके फिर ही इन्वर्टर का काम शुरू करना है आपने, तो घर में ही किसी एक साइड में आप कोने में कोई भी अपना सेटअप लगा के इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर का काम जो है रिपेयर का शुरू कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है काम करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं, शुरू करते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो समझ आ रहा होगा, लेकिन नए वाले जो है वो आप देखिए, अगर नहीं समझ आ रहा हमें कॉल करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो MOSFET है, चार MOSFET है, तो गेट पे यहाँ पे 15 ओम की फ्यूज रजिस्टर लगी रहती है सभी गेटों पे, 15 ओम की फ्यूज रजिस्टर है, तो यह सारी के सारी यहां से नीचे से जुड़ी रहती है। देखेंगे यहां पे फ्यूज सारी जुड़ी हुई है, तो यहां से फ्यूज रजिस्टर हमने लगाई 2, 3, 4 और नीचे से सबकी सब आपस में हमने जोड़ दी है। इन सभी फ्यूज रजिस्टर को सबसे पहले यहां पे एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। आज हम आपको इसी सेक्शन की बात करेंगे कि इन्वर्टर का जो आउटपुट मोस्फेट सेक्शन है तो कैसे चेक करना है मल्टीमीटर से प्रैक्टिकली, तो कैसे उसका फॉल्ट जो है वो निकालना है और क्या क्या इसमें खराब होता है। तो ये जो कलेक्टर है और ये बेस है, इस प्रकार से ये जो ट्रांजिस्टर है ये गेट में जुड़ा रहता है और सोर्स में जुड़ा रहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ज्यादातर आपको माइक्रोटेक की पीसीबी या किसी और पीसीबी के अंदर इस प्रकार से ट्रांजिस्टर जुड़ा मिलेगा जो डायरेक्टली फ्यूज रजिस्टर के साथ जुड़ा होगा, जो कि गेट से है, गेट में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चारों मॉस्फेट के गेट में ये ट्रांजिस्टर फ्यूज रजिस्टर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकली टेबल पे मॉस्फेट चेक करने सिखाएंगे और फ्यूज रजिस्टर चेक करना सिखाएंगे और मॉस्फेट कैसे, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये कैसे चेक करना है ये सिखाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जब हमारा मोस्फेट आपको कस्टमर कंप्लेंट करेगा कि बैकअप नहीं आ रहा है, जब आपका बैकअप नहीं आता है तो बैकअप नो मोड की कंडीशन में आपके हमेशा मोस्फेट ही खराब होते हैं ज्यादातर, तो आपको इन्वर्टर खोलना है, पीसीबी खोलनी है और मोस्फेट कैसे चेक करने हैं मल्टीमीटर से, और मोस्फेट के बाद अगर आपने मोस्फेट डाला उसके बाद फ्यूज रजिस्टर कैसे चेक करना है मल्टीमीटर से, और मोस्फेट जब उड़ेगा फ्यूज रजिस्टर भी उड़ेगा और उसके साथ ये ट्रांजिस्टर भी आपका खराब होगा, तो वो भी आपको चेक करना होगा। तो ये तीन चीजें हैं, मोस्फेट, रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर और ट्रांजिस्टर, ये एक साथ ज्यादातर खराब होती हैं। हम आपको इनको प्रैक्टिकल चेक करना दिखाएंगे पीसीबी के ऊपर, तो आइए चलिए टेबल के ऊपर दिखाते हैं कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 PCB रखी हुई है, एक पीसीबी हमारी माइक्रोटेक की है, एक पीसीबी हमारी ल्यूमिनस की है, तो हम यहां पे ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं यहां पे ड्राइवर सेक्शन में ये चेक करना सिखाएंगे आपको, और ये मोस्फेट चेक करना सिखाएंगे, और यहां मोस्फेट के साथ इस तरफ फ्यूज रजिस्टर लगी होती है गेट में, ये चेक करना सिखाएंगे। तो इस जो माइक्रोटेक की पीसीबी है इस पे भी मोस्फेट चेक करना सिखाएंगे,
कि कैसे मतलब अलग अलग पीसीबी के अंदर मॉस्फेट चेक किए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, इस प्रकार आपको दिख रहा होगा ये ड्रेन है। यहाँ पे ब्लैक वायर लगाएंगे मल्टीमीटर की और सोर्स पे रेड वायर। देखिए मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है 300, आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर में 380 के करीब। तो उसी प्रकार दूसरे चैनल में, यहाँ दो चैनल है, दो फेस है, ये दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर पे जाते हैं। तो यहाँ भी हम ब्लैक वायर लगाएंगे ड्रेन पे। तो देखिए यहाँ पे ये सोर्स है, तो तीनों एक साथ चेक हो जाएंगे। यहाँ भी 300-350 के करीब जो है रीडिंग आ रही है। तो ये मॉस्फेट हमारे दोनों ओके हैं। उसी प्रकार दूसरी पीसीबी के अंदर कोई भी इन्वर्टर की पीसीबी है तो मॉस्फेट इसी प्रकार चेक किए जाते हैं। अगर बीप आती है तो वो शॉर्ट होंगे तो चेंज करने होते हैं। यहां भी देखेंगे ड्रेन पे लगाएंगे काली तार। ये है गेट, दिख रहा होगा आपको, ये है गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स। तो तीसरी पिन पे लगाएंगे लाल वायर 368 और यहां पे हम फिर यहां पे देखेंगे ड्रेन पे ब्लैक वायर, तीसरी पिन पे लगाएंगे 365। तो ये हमारी जो है डायोड की रीडिंग, जो मॉस्फेट के अंदर डायोड लगा रहता है उसकी रीडिंग हमने चेक की है। तीनों मॉस्फेट एक साथ लगे रहते हैं तो तीनों मॉस्फेट की रीडिंग चेक हो, लेकिन हम बारी बारी से आपको चेक करके दिखाएंगे। ये गेट है, ये ड्रेन है, तो हम ड्रेन और सोर्स के बीच की रीडिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो ड्रेन पे हमने लगाई ब्लैक वायर और सोर्स पे देखेंगे तीनों मॉस्फेट की बराबर रीडिंग आएगी, लगभग देख सकते हैं आप तीनों की बराबर आ रही है। इसका मतलब मॉस्फेट तीनों ओके है। इस तरफ देखेंगे, यहां भी 366 यहां भी मॉस्फेट की रीडिंग जो है बराबर है। तो इस प्रकार से दोनों फेसों के मॉस्फेट बिल्कुल ओके है। अभी हम देखेंगे इस पीसीबी के अंदर फ्यूज रेजिस्टर, इस तरफ से दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये हमारा गेट है, ड्रेन है और ये सोर्स, ये सोर्स है हमारा, सोर्स ड्रेन गेट। तो यहां पे एक गेट है, दूसरा है, ये तीसरा है। अभी हम गेट के साथ लगी हुई फ्यूज रेजिस्टर चेक करेंगे। 15 ओम की फ्यूज रेजिस्टर है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक है तो लेंस से देखेंगे ये 15 ओम की फ्यूज रेजिस्टर लगी हुई है सेंटर में। देखिए मल्टीमीटर में आपको दिख रहा होगा 15 ओम और सेकंड मॉस्फेट के गेट में 15 ओम की रेजिस्टर है। तीसरा मॉस्फेट है, यहाँ भी सेम आएगी 14 वैल्यू दिखा रहा है, रजिस्टर 14 दिखा रहा है लेकिन 15 ओम लिखा हुआ उसके ऊपर 15R0। इस रजिस्टर की वैल्यू है 15R0, छोटे छोटे कंपोनेंट है, देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको। अभी फ्यूज रजिस्टर चेक की और उसके साथ ही हम ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। तो यहां पे देखेंगे तो ये 223 रीडिंग आ रही है। इस तरफ भी देखेंगे, देखिए बराबर रीडिंग आ रही है इन दोनों फेस में। तो ये हमने यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसकी टेस्टिंग हमने यहां से कर ली है गेट और सोर्स से। देखिए चाहे वायर आप उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, जैसे मर्जी आप इधर उधर लगा सकते हो गेट सोर्स से। तो गेट सोर्स से ही हमने ये बराबर इस ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर ली है। इस तरफ भी अगर बराबर रीडिंग आती है, बराबर वैल्यू आ रही है आपकी, देखिए बराबर वैल्यू इस तरफ भी आ रही है, फिर से दिखा रहा हूं यहां भी देखिए बराबर 24-25 आ रही है, 224-25। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर भी ओके है और हमारा इस तरफ ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये भी ओके है। तो इस प्रकार से आपने मॉस्फेट फ्यूज रेजिस्टर और फ्यूज रेजिस्टर के साथ लगा जो पहला ट्रांजिस्टर है, जो कि देखिए बीप करके चेक करवाता हूं कि यही वाला है। देखिए ये ट्रांजिस्टर फ्यूज रेजिस्टर के साथ जुड़ा है, जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में डायग्राम में बताया था।
और ऐसे ही आपने सभी इन्वर्टर की मोस्फेट और फ्यूजिस्टर चेक करने हैं। तो बहुत ही आसान है ये चेक करने का तरीका। अगर मोस्फेट से बीप आती है तो ये चेंज करने हैं, या फ्यूजिस्टर आपकी बीप नहीं करती है तो ओपन होगी, उसको चेंज करना होगा। तो इसी प्रकार से आपने प्रैक्टिकली अपने घर से ही काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फ्री आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक या दो दिन फ्री क्लासेस ले सकते हैं आप एक दिन। तो यदि आप हमारे यहाँ पे सीखना चाहते हैं या सीख चुके हैं तो कॉल करके आप, फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि हम आपने सीखना है तो आप कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हैं और आपको कॉल पे बताया जाएगा। कोई इन्वर्टर का आपने फॉल्ट पूछ रहा है या इन्वर्टर का कोई फॉल्ट आपका फंसा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर में कौन सी जगह पे क्या फॉल्ट है, आपको पूरा उसका हेल्प करेंगे, पूरी सपोर्ट देंगे कि फॉल्ट रिपेयर करने में। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ और भी जानना हो इन्वर्टर के बारे में, जो कि आपको फॉल्ट नहीं समझ आ रहा, इन्वर्टर की ट्रेसिंग नहीं समझ आ रही, या 324 आईसी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आईसी होता है, या इन्वर्टर के इस पीसीबी के चार्जिंग सेक्शन के बारे में, या आपका ये ड्राइवर सेक्शन है, या कुछ नहीं समझ आ रहा, आप नीचे से कमेंट बॉक्स में लिख के मोबाइल के में लिख के भेज सकते हैं ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन्वर्टर के नेक्स्ट चार्जिंग सेक्शन के साथ। तो आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।